दोस्त, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केयर आफ्टर डेंटल ट्रीटमेंट्स। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहता जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर आनंद, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी जरूरी हमारी डेंटल ट्रीटमेंट होती है उतना ही जरूरी उसका आफ्टर केयर भी होता है। तो मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि रूट कनाल की जो क्रूशियल ट्रीटमेंट है उसके बाद किस तरह की केयर लेना जरूरी होता है? आपने जो स्टेटमेंट बोली कि जितना ही जरूरी अपना ट्रीटमेंट है उससे ज्यादा जरूरी उसका मेंटेनेंस है, ये बहुत ही सही बात है और ये बहुत ही इग्नोर्ड बात है जी। मैं कई बार अपने पेशेंट्स को वही समझाता हूँ, आप अगर आपकी हार्ट सर्जरी करवाते हैं और उसके बाद अगर आप फास्ट फूड ही खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो भाई आप साल दो साल में भगवान के पास ही जाएंगे जी। आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा हार्ट सर्जरी का शायद। सो हार्ट सर्जरी इज वन पार्ट ऑफ इट, बट मेंटेनिंग इट आफ्टरवर्ड सो दैट वो वापस ना हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो दांतों में भी एप्लीकेबल है, चाहे जो भी टाइप का आपका ट्रीटमेंट हो, रूट कनाल हो या कोई भी हो, आपको उन चीजों की थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर लेनी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। कमिंग टू आफ्टर रूट कनाल ट्रीटमेंट, सो यूजुअली आफ्टर रूट कनाल ऐसी कोई स्पेसिफिक ध्यान रखने की चीजें नहीं है, क्योंकि दांत अगर उसका रूट कनाल हो गया है, उस पर कैप लग गई है, तो वो एज गुड एज नेचुरल टूथ हो गया है जी। हाँ, लेकिन एक चीज है कि कैप लगे हुए दांत में या फिलिंग किए हुए दांत में एक टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है डीके लगने की जी। तो आपको उसका थोड़ा क्लीनिंग में ज्यादा ध्यान रहना है। एक मालूम नहीं, एक सबकॉन्शियसली लोगों में एक थॉट है कि अब उसका रूट कैनाल हो गया, उसमें कैप लग गया, अब उसमें और कुछ नहीं होगा जी। या अब उसका टेंशन नहीं है, जो बहुत ही गलत है। इनफैक्ट इस दांत पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। सो आपकी क्लीनिंग, जो रेगुलर ब्रशिंग है, फ्लॉसिंग है, वो आप रेगुलर रखिए। हर 6 महीने या साल भर में आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप्स के लिए जाइए, क्योंकि अगर उस दांत में कीट लग रही है, डीके लग रहा है कोई भी रीजन से, उसको जितना जल्दी हम कैच करें उतना अच्छा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेशेंट्स वो कैप हाथ में लेके आते हैं जी, जिसमें वो अंदर से दांत भी टूट गया होता है, डीके धीरे 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 फैलता गया, और क्योंकि दांत का रूट कैनाल हो गया था तो वो दांत ने कभी दर्द नहीं दिया जी। तो डीके ने पूरे दांत को खा लिया और एंड में कैप टूट के निकल के हाथ में आ गई, और अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमको दांत निकालना पड़ेगा। तो अगर उन्होंने रेगुलर मेंटेनेंस रखा होता तो शायद उस नौबत तक नहीं पहुंचते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट जी। डॉक्टर, ऐसी एक और समस्या होती है, जैसे कि हम कोई की समस्या में हमारा दांत निकाल देते हैं, तो दांत निकालने के बाद या फिर अक्कल दांत निकालने के बाद कौन सी केयर लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाकी सारे ट्रीटमेंट से इंपॉर्टेंट होता है दांत निकालने के बाद की केयर जी, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग और वो सब के इश्यूज होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके व्यूअर्स उस चीज को अच्छे से समझे कि दांत निकालने के बाद और स्पेसिफिकली अक्कल दांत निकालने के बाद, बिकॉज अक्कल दांत निकालना एक छोटी सी सर्जरी जैसा हो जाता है कई बार, वो नॉर्मल दांत से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डिसाइड हो गया कि भाई कोई भी कारण की वजह से इस दांत को हमको निकालना पड़ेगा जी, अगर उस दांत में सूजन है, इन्फेक्शन है, मसूड़े उधर के सूजे हुए हैं, तो आपका डेंटिस्ट मोस्टली आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स पहले से स्टार्ट करेंगे जी। क्योंकि अगर आपको सूजन है तो उस सिचुएशन में हम दांत नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसमें दो प्रॉब्लम्स होती है। एक, हमारा एनेस्थीसिया पूरी तरह इफेक्ट नहीं कर पाएगा जी। और दूसरा, आपको बाद में और तकलीफ होगी, क्योंकि इन्फेक्शन में ही हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो और बाद में तकलीफ दे सकता जी। है। तो कई बार आपके डेंटिस्ट ये डिसाइड करेंगे कि आपको एक 2-3 डोज एटलीस्ट एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स के दे दिए जाए, ताकि वो इन्फेक्शन, वो इन्फ्लेमेशन, वो सूजन थोड़ी कम हो जाए जी, ताकि इंजेक्शन का असर भी बेटर हो और बाद में की तकलीफें कम हो जी। दूसरी चीज, अक्कल दाड़ों में कई बार लोगों में ये सिचुएशन होते हैं कि उसके ऊपर की मसूड़े सूज जाते हैं जी, कभी भी कुछ खाना या गंदगी फंस जाती है तो वो मसूड़े सूज जाते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है मुझे वो अक्कल दाड़ निकालनी है, तो एटलीस्ट एक हफ्ते पहले से उस एरिया को साफ रखने की कोशिश कीजिए। एक ग्लास भर पानी, उसको कुनकुना गर्म कीजिए, चाय कॉफी पीते उतना गर्म जितना सहन होता है, जबरदस्ती बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, जितना सहन होता है उतना गर्म कीजिए, उसमें 2 चुटकी नमक डालिए, उससे गागल कीजिए, थूकिए, गागल कीजिए, थूकिए। कब तक गागल करना है? जब तक वो पानी का टेम्परेचर आपको नॉर्मल ना लगे जी। गार्गल करके दिन में कम से कम 3 ग्लास यूज करने की कोशिश कीजिए, सुबह दोपहर शाम। उससे क्या होगा कि सूजन कम होगी,
वो एरिया साफ रहेगा, सूजन कम रही, एरिया साफ रहा, तो सर्जरी भी इजी होगी, आफ्टर भी हीलिंग इजी होगी, एनेस्थीसिया भी ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करेगा जी। तो ये दोनों चीजें बिफोर अक्कलदाड़ निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब अक्कलदाड़ या दांत निकालने के बाद की चीजें, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा मेरा आंसर। सो सबसे पहली चीज होती है, जब दांत निकाला जाता है तो आपको आपके डॉक्टर ने, आपके डेंटिस्ट ने कॉटन लगा के दिया होता है या गॉज का टुकड़ा आपको दिया होता है, उसमें बाइट करने बोलते हैं जी। उसको करीबन एक घंटे तक आपको दबा के रखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नीचे जो ब्लड क्लॉट फॉर्म हो रहा है उसको सपोर्ट दे रहा है, तो आपको एक घंटे तक उसको प्रॉपर दबा के रखना है। एक घंटा होने के बाद उसको निकाल के फेंक दीजिए, कहीं प्रॉपर डस्टबिन में डाल दीजिए। उसके बाद दूसरा कॉटन आपको यूजुअली रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने कॉटन निकाल के फेंक दिया कि इमीडिएटली आपको एक या दो कप वेनिला आइसक्रीम खानी है। ये फेमस है, दांत की डेंटिस्ट के पास जाके आए फिर आइसक्रीम खाएंगे, आया है दांत निकालने के बाद हम आइसक्रीम खाने बोलते हैं, बट हम क्यों बोलते हैं आइसक्रीम खाने, ये यूजुअली कई बार लोगों को नहीं पता होता है। आपको कभी भी कुछ लग जाए तो आप क्या करते हैं, उस पर बर्फ लगाते हैं इमीडिएटली, बराबर। तो अब दांत निकाला है, वो बॉडी के लिए तो एक इंजरी है, वो तो बॉडी को तो एक मार लगी है, तो हम जो वेनिला आइसक्रीम लगा रहे हैं वो उसको ठंडक दे रहे हैं अंदर से। आप बाहर से आइस पैक लगाएंगे वो अलग बात है, बट अंदर से भी तो जख्म को हमको कुछ करना है, तो स्पेसिफिकली ओनली वेनिला। ऐसा नहीं कि मुझे चोको चिप्स पसंद है, मुझे बटर स्कॉच पसंद है, क्योंकि वो नट्स अंदर जाके तकलीफ दे सकते हैं। सो एकदम प्लेन ब्लैंड फ्लेवर वेनिला आइसक्रीम आपको खानी है, और उसी तरफ से जहां का दांत निकाले, ताकि वो ठंडा लगेगा तभी उसका काम होगा, पेट में जाके वेनिला का कोई काम नहीं, तो ठंडा उस जगह पे लगना चाहिए। दूसरी चीज, और ये वेनिला आइसक्रीम आपको सिर्फ पहले 24 घंटों खानी है। कई लोग 7-7 दिन तक वेनिला आइसक्रीम खाते रह जाते, उसका कोई फायदा नहीं है, इनफैक्ट उसका नुकसान है। तो पहले 24 घंटे आपको ठंडा बर्फ का सेक करना है, 2 मिनट बर्फ लगाइए, 2 मिनट निकालिए, 2 मिनट लगाइए, 2 मिनट निकालिए, ऐसे पहले 24 घंटे करिए जितना आप कर सकते हैं। और वेनिला आइसक्रीम जितनी बार आप खा सकते हैं, अगर आप डायबिटिक है तो ऑब्वियसली आप ओवर मत कीजिए, शुगर फ्री आइसक्रीम्स ले सकते हैं तो वो लीजिए, और अगर बिल्कुल अलाउड नहीं है तो यू कैन स्किप दिस स्टेप, नॉट एन इश्यू। ऐसा नहीं कि ये नहीं किया तो अरे बापरे क्या हो जाएगा, आप बाहर से आइस पैक लगाइए, इट विल स्टिल डू द जॉब जी। पहले 24 घंटे आपको ठंडा लगाना है, अंदर से वेनिला लगेगा, बाहर से आइस पैक लगेगा। दूसरी चीज, आपने जैसे ही कॉटन फेंका, वेनिला आइसक्रीम ली, आपको डॉक्टर ने जो दवाइयां दी होगी वो मोस्टली आपको तब लेने बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही इंजेक्शन का असर कम होगा आपको दर्द शुरू होने वाला है, क्योंकि दांत निकाला है, वो छोटी सी चीज नहीं है, दांत इतने बड़े होते हैं लिटरली, और वो पूरे हड्डी के अंदर होते हैं कई बार, तो इतनी बड़ी चीज आपकी हड्डी से निकली है तो वो दर्द तो देगा। तो इमीडिएटली आपको जो दवाइयां दी है वो लेनी है आपको। उसके बाद में आपको उस दिन खाने में सॉफ्ट खाना है, कुछ भी तीखा नहीं, गर्म नहीं, कड़क नहीं। दाल चावल, खिचड़ी, इडली, उपमा, ये सब आप खा सकते हैं। मिर्ची, चटनी, अचार थोड़े दिन अवॉइड कीजिए, स्पाइसी है वो, जलन देगा, वुंड है, जख्म है, अपने को कहीं लगी हो तो अपन वहां पे मिर्ची नहीं लगाते हैं ना, बेसिक सी बात है, तो वो चीज ध्यान रखिए कि मिर्ची, चटनी, अचार थोड़े दिन अवॉइड कीजिए। थोड़े दिन पापड़, खाकरा जैसी चीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या होता है वो टूटते हैं तो वो शार्प हो जाते हैं, तो वो शार्प चुभ सकता है आपको, तो वो सब चीजें थोड़े दिन अवॉइड कीजिए। बाकी ऐसे कोई टेंशन नहीं है, आप धीरे धीरे नेक्स्ट डे से नॉर्मल फूड पे आ सकते हैं, नॉर्मल सॉफ्ट की जगह आप धीरे धीरे रेगुलर फूड पे आइए। पहले 24 घंटे आप जब जो चाय कॉफी भी लेते हैं वो रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, आप गर्म कुछ नहीं लेंगे। जो दाल चावल खिचड़ी इडली उपमा भी खा रहे वो 5 मिनट आप रुकिए, उसको ठंडा होने, बहुत गर्म नहीं खाना, बहुत गर्म नहीं, या रूम टेम्परेचर या ठंडा, पहले 24 घंटे वो एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, गर्म नहीं लगना चाहिए पहले 24 घंटे में। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, थूकना नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं कि उनको वो ब्लड थोड़ा ब्लीडिंग होती रहती है तो वो ब्लड थूकते हैं, उनको वो शायद अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता या जो भी है, आपको बिल्कुल थूकना नहीं। अगर आप वो थूकेंगे तो जो ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ था दांत के जो जख्म में वो निकल जाएगा, और फिर बाद में जो ब्लड फॉर्म नहीं हुआ है क्लॉट उधर ड्राई सॉकेट नाम की एक चीज हो जाएगी, एंड वो बहुत पेनफुल होता है। ये क्या होता है? बेसिकली अगर क्लॉट निकल गया है तो हड्डी एक्सपोज हो जाती है जी, और हड्डी अब ओपन हो गई है आपके मुंह में, और वो जख्म भरने को बहुत टाइम लेगा। जो जख्म 7 दिन या 10 दिन में भरता था वो अब नियरली 3-4 हफ्ते लेगा भरने को जी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है एज अ पेशेंट कि बिल्कुल थूकना नहीं है, खून है थूक है, आपका ही खून है, आपकी ही थूक है, उसमें और कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई गंदगी नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि अरे इससे जाके कोई प्रॉब्लम होगी,
प्लीज उसको सॉलो कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद आ रहा है तो सॉलो करते से ही वेनिला खा लीजिए ताकि उसका टेस्ट कवर हो जाए, बट उसको सॉलो कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको थूकना नहीं है। और क्या होता है, कई बार वो खून होता है इतना सा है बट वो थूक में डिसॉल्व होके सब कुछ रेड दिखता है, तो हमको लगता है अरे इतनी ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग इतनी यूजुअली होती नहीं है, क्योंकि अगर जख्म बड़ा होगा तो यूजुअली आपके डॉक्टर आपको एक या दो टाके भी दे देंगे ताकि उससे ब्लीडिंग के चांसेस और कम हो जाए और जख्म और जल्दी भरे। तो जैसी जरूरत होगा वैसे आपके सर्जन या जो डेंटिस्ट है वो करेंगे ही, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप थूके नहीं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और स्पेशली ओल्ड एज की जो पेशेंट्स होते हैं वो कई बार ध्यान नहीं देते और थूकते रहते हैं, तो उनको बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने कई बार नोटिस की है, पेशेंट्स जो दूसरी उनकी दवाइयां चल रही है उनमें कुछ खुद से ही चेंजेस कर लेते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी एक पेशेंट थी, उनको डायबिटीज था, उनकी डायबिटीज की दवाई चल रही थी, तो मैंने उनको बोला था जैसे आपकी नॉर्मल दवाइयां चल रही है प्लीज उसको नॉर्मल कंटिन्यू रखें, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन उन्होंने दांत निकालने के बाद में एक दो कप वेनिला खाया, उनको लगा अरे अभी मेरा डायबिटीज हाई हो जाएगा, तो उन्होंने डायबिटीज की दो दवाइयां खा ली, तो उनका शुगर इतना लो हो गया कि एकदम हमको हॉस्पिटलाइज करने जैसी नौबत आ गई। सो वैसा भी नहीं होना चाहिए, आपको जैसे आपके डॉक्टर ने गाइड किया है प्लीज उस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, खुद डॉक्टर मत बनिए। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज डॉक्टर को पूछो, अपना लॉजिक मत लगाइए, क्योंकि कई बार अपना थॉट प्रोसेस इतना क्लियर नहीं होता और अपन बहुत सारी इवेंचुअलिटीज नहीं सोच पाते, तो उसमें प्लीज खुद डॉक्टर मत बनिए। कई बार हम जैसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड थिनर्स दिया जाता है, जिनको हार्ट के इश्यूज होते हैं उनमें इकोस्प्रिन चालू होता है या क्लॉपी करके एक दवाई है वो चालू होती है, तो कुछ पेशेंट्स में हम बंद करते, कुछ में हम नहीं बंद करते, कुछ में हम उनके डॉक्टर को कंसल्ट करके बंद करते, कुछ केसेस में हम उनके डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना डिसीजन लेते, तो वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। और देखिए दांत तो एक छोटी सी चीज है, आपने वो दवाई बंद करने से आपकी बॉडी में हार्ट पे ब्रेन पे दूसरे इफेक्ट्स हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस और इम्पोर्टेंट है। प्लीज डोंट प्ले विथ योर मेडिसिन, गो एज वॉट योर डॉक्टर एंड योर डेंटिस्ट इज सजेस्टिंग यू। अगर हमको जरूरत लगेगी हम बंद करवाएंगे हमसे 5 दिन पहले 3 दिन पहले जो रिक्वायरमेंट होगी एज पर योर मेडिकल कंडीशन। तो पेशेंट्स को वो चीजें ध्यान रखनी कि उनको खुद डॉक्टर नहीं बनता है। और आजकल गूगल पे ये सब बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, तो सब लोग वो गूगल कर करके देख लेते और खुद से एक्शन ले लेते, वो गलत है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज, पहले 24 घंटे हो गए, अब आप धीरे धीरे नॉर्मल खाने पे आ सकते हैं, आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का खाना है उस पे आ सकते हैं, चाय कॉफी हल्की गर्म लेना स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज जो स्टार्ट करनी है, कुनकुने गर्म पानी के गागल्स फिर से स्टार्ट करनी। अब बेसिकली अपने को उस जख्म को क्लीन रखना है, कहीं लगती है तो अपन क्या करते हैं उसको सेवलॉन से डेटॉल से साफ करते हैं, बैंडेज लगाते हैं ताकि उसको खराब ना हो तो इन्फेक्शन नहीं होगा। अब इधर हम साफ तो रख नहीं सकते, मुंह में 700 अलग अलग टाइप के कीटाणु है, तो कीटाणु तो जाने ही है। अब खाना खा रहे हो, खाना तो जाएगा ही, आप बोलोगे सर मैं उस साइड से खा नहीं, बट खाना तो उधर जाने ही वाला है, तो खाने के कण तो फंसेंगे और वो बहुत बड़ा जख्म है तो उधर फंसेंगे खाने के कण। तो आपको नमक के पानी के कुल्ले करके उस एरिया को साफ रखना है, उस एरिया को जितना आप साफ रखेंगे उतना जल्दी जख्म भरेगा, उतना आपको कम तकलीफ देगा। और तीसरी लास्ट एक चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रशिंग। आप ब्रशिंग दूसरे दिन से नॉर्मल बाकी के दांतों में अच्छे से ब्रशिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रश करते हुए जोर से कुल्ला करके थूकना नहीं है, उससे भी ब्लड क्लॉट निकल सकता है। तो पहले एक दो दिन हल्के से सिर्फ बेंड होके पानी गिरने दीजिए, धीरे धीरे जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप गागल भी कर सकते हैं, आप ब्रश भी उस जगह पे कर सकते हैं, एंड कंटिन्यू डूइंग ब्रशिंग, डोंट स्टॉप इट, एंड 2-4 दिन में यू विल बी फिट एंड फाइन एंड यू विल बी बैक टू नॉर्मल। जी डॉक्टर, आप बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, हमारी डेंटल ट्रीटमेंट के बाद हमें कौन सी केयर लेना जरूरी होता है, इस बारे में हम डॉक्टर आनंद से और भी जानकारी लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।